हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप साड़ी को किस तरह से लहंगा स्टाइल में पहन सकते हैं, प्लस डबल पेटीकोट के साथ आप किस तरह से पहन सकते हैं। जब भी आप लहंगा स्टाइल में साड़ी पहनते हैं तो हमेशा डबल पेटीकोट पहने, क्योंकि उससे आपका जो साड़ी का फ्लेयर है वो खुला खुला आएगा, यानी कि घेर ज़्यादा आएगा। इसलिए हमें डबल पेटीकोट पहनना चाहिए अगर हम लहंगा स्टाइल में साड़ी बांध रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि आपको किस तरह से पहनना है। प्लस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो पल्लू स्टाइल, यानी कि आप अपने पल्लू को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। टू टाइप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और पाकिजा का कल बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे टू पाकिजा, बिलेटेड हो गया बट इट्स ओके, चलेगा। और दिशा का 29th को है, अगर उस दिन मेरी वीडियो आई तो आपके लिए भी विशेज ज़रूर आएंगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी वीडियो अब ऑल्टरनेटिव डेज पर आती है, यानी कि आज आई है तो परसों आएगी, परसों आई है तो उसके एक दिन बाद आएगी, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो आएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री है। नाउ मूव ऑन टू आवर वीडियो। साड़ी पहनने से पहले हमेशा अपनी हील्स ज़रूर वेयर कर लें। और मैंने यहाँ एक नहीं दो पेटीकोट लिए हैं, एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का। और मैंने एक पेटीकोट का नाड़ा लेफ्ट साइड बांधा है और दूसरे का राइट साइड बांधा है, ताकि एक ही साइड जो मेरी नाड़ा है वो मोटा ना हो जाए और मेरी साड़ी की लुक ना ख़राब हो जाए। इसलिए अब ये मैंने ले ली है साड़ी, और ये आप देख सकते हैं एक लेफ़्ट है और एक राइट है। अब साड़ी को मैंने टग इन किया है अपने बैक पोर्शन से हाफ एरिया में, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब इनको साड़ी को प्लीट्स बनाते हुए मैं टग इन कर लूँगी। टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप साड़ी में छोटी प्लीट्स लाना चाहते हैं या फिर बड़ी प्लीट्स लाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े गैप में प्लीट्स डाली हैं, क्योंकि मैं साड़ी का ही लहंगा स्टाइल बनाने वाली हूँ, एक ही साड़ी का। मेरे को दो साड़ी का भी आता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें स्कर्ट अलग होगी। इस तरह से ये जो स्कर्ट है ये अलग होगी और दुपट्टा डिफरेंट साड़ी का होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने प्लीट्स बनाकर अपनी साड़ी में टग इन कर ली है, और इसकी स्कर्ट यानी कि लहंगे वाली लुक ही आई है, बहुत ही सुंदर लग रही है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सिल्क की साड़ी ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। अभी ये मैंने ले लिया है पल्लू, और इसको अब हमें करना है गैदर अच्छे से, ताकि ऊंचा नीचा ना हो जाए। और मैंने पीछे से लाते हुए अपने राइट शोल्डर पर डाल लिया है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। साइड से थोड़ा एडजस्ट कर लें। अब हमें पल्लू की बनानी है प्लीट्स, छोटी प्लीट्स चाहिए या बड़ी प्लीट्स चाहिए टोटली आप पर डिपेंड है, जैसी आपको पसंद है आप वैसी बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल बनाई है, ना बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इनको अच्छे से गैदर करके इनको सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लें, ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से गैदर करके इस पर सेफ्टी पिन लगा ली है। अब मैंने राइट शोल्डर पर इसको डाल दिया है इस तरह से, और ये हमारी लहंगा साड़ी रेडी है, आप देख सकते हैं। और शोल्डर पर पिन लगाना बिल्कुल ना भूलें, वरना आपका पल्ला खिसकता रहेगा। ये मैंने साड़ी पहन ली है, और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्लीट्स आई हैं, और ये है इसकी फाइनल लुक। सेकेंड पल्लू स्टाइल के लिए अपनी पिन निकाल दें, रिमूव कर दें दोनों पिन, और आपको अपनी साड़ी के पल्लू की छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। याद रखें, इसमें नॉर्मल भी नहीं बनानी, बड़ी भी नहीं बनानी, इसमें हमको छोटी प्लीट्स बनानी है, क्योंकि जो मैं आपको स्टाइल दिखाने वाली हूँ उसमें छोटी प्लीट्स ही अच्छी लगेंगी इस तरह से। और ये मैंने पूरी साड़ी गैदर कर ली है अच्छे से प्लीट्स के साथ, ये आप देख सकते हैं। अब मैं ले आई हूँ इसको अपने राइट शोल्डर पर, और अपने नेक के अराउंड मैंने इस तरह से रैप कर ली है, जिससे मेरे साड़ी के दोनों साइड के बॉर्डर एक साथ आए हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे। और पीछे से लाते हुए मैंने अपने नेक के अराउंड रैप कर ली है अच्छे से, और ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स ये थी वीडियो कि आप साड़ी को लहंगा स्टाइल में किस तरह से कैरी कर सकते हैं, प्लस टू पल्लू स्टाइल के आप किस किस तरह से ले सकते हैं। आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और जाने से पहले अपने जिस सब्सक्राइबर का नाम आज मैं लेने वाली हूँ उनका नाम है किरण शर्मा, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू किरण शर्मा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों का नाम क्यों नहीं लेती, तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर मुझे बताएं #beautyandfashionbysakshi कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। हर एक सब्सक्राइबर की लिस्ट नहीं आती है, जिन्होंने ओपन किया हुआ है, खोला हुआ है जीमेल में या फिर गूगल में अपना अकाउंट, विजिबल है, विजिबल टू ऑल है, वो शो होते हैं, बाकी के शो नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।